हेलो, तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इंडोडॉक्स यूज करके एक इंडियन एक्सपोर्टर अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को इजी और 10 गुना फास्ट तरीके से भर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि मैं इंडिया में मुंबई बेस्ड एक एक्सपोर्टर हूँ जो अपने प्रोडक्ट को यूनाइटेड स्टेट में बैठे अपने बायर को भेजना चाहता हूँ। तो सबसे पहला फील्ड एक्सपोर्टर का है, जहाँ पे मुझे या तो क्रिएट न्यू करना है और अपने कंपनी के बेसिक डिटेल्स भरना है, और अगर मैंने उसे पहले से भर के रखा है तो मुझे ड्रॉप डाउन से बस सिलेक्ट करना है और मेरे सामने आ जाएगा। सिमिलरली कंसिग्नी के लिए भी मुझे या तो क्रिएट न्यू करना है और अगर मैंने पहले से भर के रखा है तो मुझे अपने बायर का डिटेल सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है और अपने आप सामने आ जाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक फील्ड भरना ही है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसे आप भर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ डिस्पैच होगा सी। वेसल और वॉयज नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन तो आप फीड कर सकते हैं, जैसे मैं करने वाला हूं यहां पे। वॉयज नंबर है 160, ये पोर्ट ऑफ लोडिंग मुंबई है जहां से लोड होने वाला है कंसाइनमेंट, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लॉन्ग बीच यूनाइटेड स्टेट जहां पे कंसाइनमेंट जाने वाला है, टाइप ऑफ शिपमेंट रहेगा LCL, डेट ऑफ डिपार्चर 30th of October, फाइनल डेस्टिनेशन लॉन्ग बीच। अब राइट साइड पे हमें इनवॉइस नंबर फीड करना है और इनवॉइस डेट होगा 10th of October। अगर आपके पास बिल ऑफ लेडिंग नंबर रेफरेंस बायर रेफरेंस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं, और अगर बायर इफ नॉट कंसिग्नी में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है तो उसका इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड, किस देश से कंसाइनमेंट निकलने वाला है, इंडिया, तो हम यहाँ पे डाल दें। कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, किस देश में कंसाइनमेंट जाने वाला है, यूनाइटेड स्टेट, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें यूनाइटेड स्टेट। मेथड ऑफ पेमेंट, तो हम मेथड ऑफ पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, 30% डिपॉजिट, 70% बैलेंस बिफोर, 30% डिपॉजिट 70% बैलेंस बिफोर शिपमेंट। अगर आपके पास मरीन कवर पॉलिसी नंबर या लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर है तो आप यहां पे उसे फीड कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। सिमिलरली अगर या तो आप अपने प्रोडक्ट को क्रिएट न्यू कर सकते हैं, अगर आपने पहले से क्रिएट किया है तो आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है और प्रोडक्ट के सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएंगे। आपको सिर्फ यहां पे क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन फीड करना है, और अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप यहां पे ऐड लाइन कर सकते हैं और सिमिलरली आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं या क्रिएट न्यू या तो फिर ऐड कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऐड करना है और ये टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर देगा। थोड़ा नीचे आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस इन्वॉल्व होने वाला है, जैसे कोई फ्रिट चार्जेस या कोई सर चार्जेस इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो उसे आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना है तो आप उसे यहाँ पे फीड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, 20 days lead time after deposit। अगर कोई बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना है तो आप उसे ये सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको FOB सिलेक्ट करना है, हम यहाँ पे प्लेस मुंबई सिलेक्ट करेंगे और इसके USD सिलेक्ट करेंगे,
place of issue, फिर से मुंबई, date of issue 10th of October, signatory company जो हमारी कंपनी है, इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हमारा नाम राज पटेल, सिग्नेचर है। यहां पे दो ऑप्शंस आपके पास है, या तो आप माउस की हेल्प से खुद सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपना सिग्नेचर पहले फीड करके रखा है तो आपको सिर्फ यूज प्रोफाइल सिग्नेचर पे क्लिक करना है और आपका सिग्नेचर अपने आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको कमर्शियल इनवॉइस नंबर फीड करना है और इसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट को सेव एंड फिनिश कर सकते हैं। सेव एंड फिनिश करते ही आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे अपीयर होगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद आप इसे राइट हैंड साइड पे से या तो डाउनलोड कर सकते हैं या तो इसका पीडीएफ आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह प्रिंट कर सकते हैं।